डांस चूंकि इस फिल्म का सोल है, तो वो जो हमारे दोनों लीड कैरेक्टर हैं उसमें वरुण धवन हैं और जो लीड कैरेक्टर हैं, क्या नाम है यार, नाम ही भूल गया, धीरे से बोल रहा, अरे मैं श्रद्धा कपूर का नाम भूल गया था, पकड़ा तो था, सिनेमा देखने गया था, हमारे सामने औकात क्या है तुम्हारी, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। नमस्कार, मैं सत्यकाम आनंद, आज हम बात करेंगे फिल्म स्ट्रीट डांसर, यही सब कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग, तो बात करते हैं हम लोग स्ट्रीट डांसर फिल्म की कहानी पर। कहानी एक ऐसी परिवार की है जो लंदन में रहती है, और वहां पे जो हमारे लीड करेक्टर इस फिल्म के वरुण धवन, उनकी फैमिली है और उनके फैमिली में डांस का ही माहौल है। एक बार किसी कारणवश उनको इंडिया आना पड़ रहा है, और इंडिया आने पर कुछ घटना घटती है उनके साथ, और वो घटना पूरी आगे फिल्म को कैरी करता है। तो ये कहानी का एक इमोशन है जिसमें आपको देशभक्ति एनआरआईज का जो प्यार है वो दिखने वाला है, बट ये एक फिलर्स की तरह कहानी को रखा गया है। लेकिन इस कहानी में जो सामने हर चीज़ आया है वो एक डांस के थ्रू आया है, डांस के स्प्रिट क्या है, डांस की फीलिंग क्या है, और एक डांसर अपने माध्यम से किस तरह से कह सकता है, ये एक मोटा मोटी कहानी, बहुत डिस्क्लोज नहीं कर सकते कहानी। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रेमो डिसूजा ने। रेमो डिसूजा चूंकि मूलतः कोरियोग्राफर रहे हैं, तो उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं फिल्म पे कोरियोग्राफी, जो उनका एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो सब दिखेगा। और पूरी फिल्म की बेस ही है डांस, ABCD, उससे पहले उन्होंने बनाई थी, उसके पहले भी सीक्वल जो थी, तो सारी अच्छी फिल्में थी उनकी, ये उसके एक्सटेंड है, एक नेक्स्ट पार्ट उसको कह सकते हैं हम लोग। तो एक डांसर क्या क्या कर सकता है, वो सब कुछ बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही इमोशनली, क्योंकि मुझे समझ में जो समझ है कि कोरियोग्राफर का इमोशन से बहुत संबंध रहता है, क्योंकि गाने में जो इमोशन होता है, एक फिल्म डायरेक्टर 2.5 घंटे में अपनी बात को कहता है उस इमोशन को, और एक कोरियोग्राफर और एक म्यूजिक डायरेक्टर 5 मिनट 3 मिनट में ही अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इमोशन जो है उसको उन्होंने बहुत ही बारीकी से रखा है इस फिल्म में, और डांस में नो डाउट हम कह सकते हैं कि उसको पूरी कोशिश की गई है कि एक डांस का जो ओलंपिक होता है उस तरह से प्रेजेंट किया जाए, और पिछली जो ABCD उनकी थी उनसे एक स्टेप अपग्रेड किया जाए। तो ये उस पूरी फिल्म में एक अपने जो अनुभव है उसका पूरा का पूरा इन्होंने निचोड़ इस फिल्म में दिखाया है, अच्छे अच्छे डायरेक्शन किया है इन्होंने, जो चाहिए थी फिल्म को। अब बात करते हैं हम लोग इस फिल्म के प्रेजेंटेशन के बारे में। तो जो इस फिल्म की डिमांड है प्रेजेंटेशन के मामले में, वो पूरी तरह दिखाया गया, लार्जर देन लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक बहुत ही बड़े कैनवास पे डांस को दिखाया गया, उस तरीका से दिखाया गया, क्योंकि जो इस फिल्म में कहानी है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मूव्स हो सकते हैं, डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज में किस लेवल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किस लेवल पे चीज़ों को, म्यूजिक को स्पेशली और डांस के मूव को, ये बहुत ही अच्छी तरीका से ले जाने की पूरी कोशिश की गई है। बहुत ही ग्लैमराइज्ड है, नए नए मूव्स है इस फिल्म में, नए डांस के भी मूव्स हैं। और मुझे एक चीज़ पर्सनली देख के लगा इस फिल्म को कि डांस अब जो क्या कहते हैं, एक आपका जो आर्ट से ज़्यादा आर्ट नहीं रहा, जैसे पहले के डांस में क्या होता था कि आपके अदाएँ होती थी, आज के डांस में स्टंट्स हैं। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड आज का जो यूथ है, आज का जो अपग्रेड बात करें तो स्टंट ही डांस हो चुका है। तो आपको एक से एक कमाल स्टंट मिलने वाला है इस फिल्म में डांस के साथ, जो भी वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। तो प्रेजेंटेशन इसका जैसा होना चाहिए था, एक पूरी फिल्म की जो कंटेंट है मेरे अनुसार बढ़िया है, इमोशन भी है इसमें, और जो डांस से प्यार करते हैं, जिनको डांस और मूव्स, जिनको बीट्स म्यूजिक से प्यार है, वो इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक उनको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको फील होगा देख के फिल्म कि आप एक बड़े स्क्रीन पे, जो मोबाइल में हम देखते हैं, बहुत बड़े स्क्रीन पे डांस देख रहे हैं, मूव्स देख रहे हैं उसके, और बहुत ही कमाल के कटिंग्स हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं डांस में उसको प्रेजेंट करने में। तो एक मोटा मोटी हम ये कहेंगे कि पिछली बार की जो फिल्म थी रेमो डिसूजा की, उससे जो इमोशन है, जो सिनेमा का ग्रामर होता है, उस सबको रखते हुए डांस के मामले में इसमें एक लेवल बढ़िया प्रेजेंटेशन किया गया है, अपग्रेड किया गया है। अब बात करते हैं हम इस फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जो माहौल सिनेमा हॉल के अंदर लोगों का जो दिखा। तो ये पूरी तरह से फिल्म डांस बेस्ड है। डांस का एक जो माहिर खिलाड़ी होता है, या डांस के बारे में जो ज़िंदगी जिसने डांस में निकाल दिया, और उसके जो सपने होते हैं कि मैं डांस को उस लेवल पर ले जाऊँ, वो पूरी तरह से वो इस फिल्म से रिलेट कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़े लेवल पर डांस का ओलंपिक कह सकते हैं इस फिल्म को,
और जो डांस से प्यार करते हैं, जिनको डांस की दुनिया देखना है, बीट्स म्यूजिक पसंद है, उनको एक अलग जोन में फिल्म ले जाएगी और ले जाने की पूरी कोशिश की गई है। इमोशंस जो सिनेमा को बांध कर रखे, दर्शक को बांध रखे, इसमें बहुत ही जगह बहुत ही अच्छी तरह से इमोशन को रखा गया है। वैसा इमोशन जो बहुत मजबूत होता है, देश का इमोशन, माँ का इमोशन, ये सब इमोशंस ऐसे होते हैं जो हर जगह लागू होते हैं, उसको रखा गया है। और तीसरी चीज़ की कॉमेडी का इनपुट इस फिल्म में रखा गया ताकि दर्शकों को बांधा जाए, वो भी ठीक ठाक है, मतलब लोग उसको कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रभु देवा हैं इस फिल्म में, उनको मुझे देख के ये लगा कि उनका होना इस फिल्म में बहुत ज़रूरी था। और इस फिल्म को प्रभु देवा को हम शायद मेरी नज़र से ये लगा कि उनको कहीं एक जो भावना है रेमो डिसूजा का प्रभु देवा को लेके, जो जिस तरह के रिस्पेक्ट देते हैं वो, उसमें एक गाना जो है उनका हमसे है मुकाबला तुमसे है मुकाबला जो गाना है, वापस इसको रिक्रिएट किया गया है। और प्रभु देवा का जलवा आपको वही दिखेगा जो आज से 15-18 साल 20 साल पहले जब फिल्म आई थी हमसे है मुकाबला, ऑलमोस्ट आपको वही दिखेगा। तो ये एक बहुत ही स्पेशल पैकेज है ये सॉन्ग, बाकी सारे सॉन्ग के अलावा। तो डांस के जो लवर हैं या जो रेमो डिसूजा की पहली फिल्म में जो हैं उनको पसंद करने वाले जो लोग हैं, ये मोटा मोटी एक फिल्म ऐसी है जो आपको इंटरटेन करेगा, आपको म्यूजिक की दुनिया में ले जाएगी। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा। तो कुल मिला के जाके देखना चाहिए इस तरह के फिल्मों को, स्पेशली उन लोगों को जो डांस और म्यूजिक को पसंद करते हैं। और नई चीज़ मार्केट में क्या आ रही है, हमारी इंडिया कहाँ तक इन चीज़ों को लेकर पहुँच रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। आप अपग्रेड हो जाएंगे इससे, आप किसी ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हो ना, फिर भी हाँ, तो फिर भी खैर ये बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप लाइक्स कीजिए, शेयर भी कीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ज़रूरी है, वो घंटी जो अलार्म है उसको भी बजाइए और कमेंट्स तो कर दीजिए यार, क्योंकि कनेक्ट होंगे तो हमको भी मज़ा आएगा आपसे बात करने में। आपकी तरफ से कई ऐसी सारी फिल्मों की बातें आप जिक्र करेंगे जिससे आपसे हमें भी कुछ सीखना मिलेगा, तो थोड़ा हम लोग इंटरेक्ट करें। तो कॉमेंट्स में आप लोग आइए, बेल बजा के और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।